जो आप देख सकते हैं, जब क्लीन करेंगे तो यहाँ पे नाखून है, नाखून में यहाँ परत पे जम जाती है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जमने के कारण यही हाथ से आप खाना खाते हो, इसी हाथ से आप सब कुछ करते हो, तो यही बैक्टीरिया खाने में जाती। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज मैं इस टेटमोसोल शॉप के बारे में बात करने वाला हूँ, जो खास खुजली या फुंसी, फोड़े फुंसी, जितने भी शरीर में, बॉडी में, पार्ट्स में बैक्टीरिया के कारण होते हैं, वो सारे इस फंगल को, इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करता है ये टेटमोसोल साबुन। तो किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये कहाँ पर मिलती है, आप कौन सी साबुन है, डॉक्टर के दिशा निर्देश, ये साबुन का यूज़ करना चाहिए नहीं, तो सारे कुछ आज वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो हेल्थ से रिलेटेड डालूँ तो आपके आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विकास कुमार, आप देख रहे हैं विकास हेल्थ चैनल को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानेंगे इस टेटमोसोल साबुन के बारे में, जो कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, टेटमोसोल साबुन जो मोनोसल्फ्यूरिक मेडिकेटेड सॉप है, ये मार्केट में बहुत तरह के, दो तीन तरह के आ चुके हैं, जो आपको पहचानने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये टेटमोसोल साबुन है चमकीले कलर से, पहले ब्लैक है, ऊपर से ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, बहुत तरह से चमकीले कलर में। आप इस तरह से सेक करेंगे तो ये अपने कलर में डिफरेंट करेगी, जो आपको पहचानने में आसानी होगी। और यहाँ डॉक्टर का लोगो है, ये तो डॉक्टर का लोगो कोई भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जो कलर है, डिफरेंट कलर का, जो आप देख सकते हैं लाइटनेस आती है, तो यहाँ से इस तरह, इसमें भी यहाँ जो राउंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इस कलर में डिफरेंट आ रही है, जो आपको पहचानने में बहुत अच्छी तरह मदद करेगी ये साबुन। इसके अगर हम MRP की बात करें तो ये देखिए 80 रुपीज़ का है, न्यू डेट का ही है। तो सारे कुछ यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे साबुन के ऊपर में आप देख रहे हैं डायरेक्शन लिख रखा है, डायरेक्शन ऑफ यूज़। ऐसा इसलिए रहता है, डॉक्टर हो सकता है कोई डॉक्टर के बिना अनुसार कोई खरीद ले तो इसे कैसे यूज़ करें, तो इस पे डॉक्टर के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ यूज़ है। वैसे तो ये साबुन औषधीय साबुन है, लेकिन इसमें लिख रखा है, तो इसमें लिखा है टेटमोसोल इज मेडिकेटेड सॉप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्कैबीज, यूज एज डायरेक्टेड फिजिशियन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इन प्लेस ऑफ टॉयलेट सॉप टिल चांस ऑफ इन्फेक्शन रिमेंस, लेदर लाइवरली पे अटेंशन टू फोल्ड ऑफ स्किन, रिंस ऑफ विथ लिक वार्म वाटर, डू नॉट यूज, देयर इज हिस्ट्री ऑफ एडवर्स रिएक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस यूज, ओवर एप्लीकेशन टेटमोसोल इज अनलाइकली टू कॉज एडवर्स इफेक्ट। यानी कि ये साबुन क्या कहता है, ये आपको खुजली के आधार के लिए एवं रोकथाम के लिए है। जैसे मान लीजिए आपके खुजली है शरीर में, किस तरह का खास खुजली है, तो उसे ख़त्म करता है और आने वाले खास खुजली को रोकता है, जिसे रोकथाम के लिए बनाया गया है। यह एक प्योर औषधीय साबुन है, जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए और साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार ही यूज़ करना है। इस पर लिख रखा है डॉक्टर के सलाह से द्वारा, अगर डॉक्टर जो निर्देशित आपको करती है उसी तरह से आपको यूज़ करना है। खास करके बॉडी के लिए बनाया गया है, ये बालों के लिए नहीं है, बालों के लिए आप शैम्पू ही यूज़ कीजिए। तो अगर आप देखिए, जिस तरह से आप टॉयलेट करते हो तो मल द्वार को आप क्लीन करने के लिए हाथ का यूज़ करते हैं, और हाथ में एक बहुत ही ख़राब बैक्टीरिया, जो आप देख सकते हैं, जब क्लीन करेंगे तो यहाँ पे नाखून है, नाखून में यहाँ परत पे जम जाती है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जमने के कारण यही हाथ से आप खाना खाते हो, इसी हाथ से आप सब कुछ करते हो, तो यही बैक्टीरिया खाने में जाती है और वहाँ से इन्फेक्शन पैदा करती है, और उसी तरह से खास खुजली होती है, खून में ब्लड में चेंजेस आ जाती हैं, तो इस तरह से खास खुजली होती है। इसलिए अगर आप टॉयलेट साबुन की जगह जो आप यूज़ करते हो, जैसे टॉयलेट करके आए, आपने हाथ धुला, तो हाथ धुलने के कारण, उस ख़राब साबुन के कारण, जो मार्केट का साबुन आती है वो बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाती है,
जिस वजह से इन्फेक्शन होती है और हमारे शरीर में बहुत तरह से ब्लड में चेंजेस आने के कारण खाज, खुजली, फुंसी होते हैं। तो आप इस साबुन को यूज़ कर सकते हैं। जब टॉयलेट से बाहर आप निकलेंगे तो इसे हाथ को धोने के लिए आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जो डॉक्टर दिशा निर्देश करती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ास बात इसमें और लिखी है कि अगर आपके शरीर में खाज, खुजली है, अगर खाज, खुजली जो है वो ख़त्म हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दिन में ख़त्म हो गया। अगर मैं एक दिन में 2-3 बार यूज़ करूं तो हो सकता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको एक दिन में एक ही बार यूज़ करना है। डॉक्टर दिशा निर्देश करती है कि एक यह साबुन जो आप यूज़ करते हैं एक दिन में एक ही बार यूज़ करना है, जो ये आप देख सकते हैं टेटमोसोल साबुन, एक दिन में एक ही बार यूज़ करना है ताकि आपको ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को ना मिले। क्योंकि आप ज़्यादा खाना खाने से थोड़ी ना एक दिन में आपके सारे विटामिन पूरा हो सकते हैं। तो डॉक्टर के अनुसार जो बोलती है वही आप कीजिए। ज़्यादा आपने मन से यूज़ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। यूज़ कीजिए, लिमिट से कीजिए, आप फिट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टेटमोसोल के ऊपर ही था। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज मैंने बता दिया, आप भी पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़े लिखो तो इसमें आप देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ यूज़। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वीडियो मैं यूज़ के लिए लिया था तो सोचा कि इसकी वीडियो भी एक हो जानी चाहिए। हो सकता है किन्हीं लोगों को पता नहीं हो तो वो भी हमारे वीडियोज़ देख करके जान सके।